किसान भाइयों नमस्कार, मैं आपका दोस्त राजीव आपके अपने यूट्यूब चैनल दबास फार्मर में स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे प्याज को स्टोर कैसे किया जाता है, चलो देखते हैं। पहले ये घुट्टे खड़े किए जाते हैं साइडों में, उसके बाद ये बांस बांधे जाते हैं। बांस बांधने के बाद साथ में नीचे लेवल एक लेवल किया जाता है, उसके ऊपर ईंटें बिछाई जाती है। ईंटा बिछाने के बाद ईंटा इसलिए बिछाई जाती है नीचे नमी ना चढ़े प्याज में, 3-4 महीने तक रोका जा सकता है फिर उसके बाद। और फिर साइड में टाटी खड़ी की जाती हैं और एक कोने पर परली तरफ बल्ली खड़ी की जाती है दोनों कोनों पर, जिससे इसके ऊपर तार बांधा जाता है। ये देखिए तकरीबन एक फुट्टे की दूरी 5 फुट के करीब है, 5 और जो 12 फुट का बांस है 3 फुटों पे एक बांस बनता है। 12-12 फुट के 2 बांस बांधे जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे, फिर इसके बीच में टाटी खड़ी की जाती है बांस की। ये देखिए टाटी खड़ी करने के बाद इसके अंदर प्याज डाला जाता है। उससे पहले अंदर का और दिखाते हैं आपको। ये देखिए किसान भाइयों अंदर ईटा बिछा रखी है, प्याज डलने लग रहा है और तार एक ऊपर एक नीचे 2 तार बांधे जाते हैं, साइडों में फटा ना प्याज की टाटी ज़्यादा बाहर से आ सके। उसके ऊपर फिर सरकी डाली जाती है, वो भी दिखाते हैं आपको। पहले प्याज खेत से लाके यहाँ छटाई की जाती है, खराब प्याज सड़ा गड़ा प्याज जो भी है लेबर लगी हुई है। उसके बाद दुफाड़ी प्याज जो उसको साइड में डाल देते हैं, और जो साफ सुथरा प्याज उसको टाटे के अंदर डाला जाता है। जो दुफाड़ी प्याज है वो इसलिए टाटे के अंदर नहीं डाला जाता, वो जल्दी ख़राब हो जाता है और प्याज तकरीबन प्याज टाटे में 3-4 महीने तक रुक जाता है। ये देखिए चटाई चल करते हुए ये ढेरी सारी इसी के अंदर डालनी है प्याज की। उसके बाद प्याज चटाई होने के बाद टाटे के अंदर डालते हुए प्याज अंदर डालने के बाद जो ऊपर ये साइडों में बांस खड़े किए गए हैं बल्ली ऊपर, ये तकरीबन 3-4 फुट गहरी गाड़ी गई है, जो इसके ऊपर सरकी बांधी जाती है। ये एक लंबा तार है पूरा, बीच में 4-5 बल्ली और गाड़ी गई है इसके साथ में सपोर्ट के लिए, उसके ऊपर तार रख के बांध दिया जाता है। तार के ऊपर सरकी डाली जाती है, वो भी दिखाते हैं आपको, जिससे बारिश का पानी प्याज के टाटे के अंदर ना जाए। नीचे की नमी के लिए ईटा बिछाई गई है, सरकी ऊपर डालने के बाद 2 डबल डबल सरकी डाली है, पानी ना अंदर डाले जाए प्याज में, और उसके ऊपर बांस की फंटी डाली बांधी जा रही है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, जिससे जिसके ऊपर हवा में उठे ना। थोड़ा और ऊपर कर दे भाई, उसने दोनों को एक साथ इकट्ठा बांधा जाता है। बांधता दिखाते आपको कैसे बांधी जाती है। सरकी के ऊपर फट्टी बांधी जा रही है, फट्टी बांस की फट्टी बांधने का फायदा है, नीचे रेख ऊपर जो आंधी तूफान आए तो उड़े ना तो सरकी। दोनों फट्टी को नीचे वाली को और ऊपर वाली को इकट्ठा करके, ये देखिए नीचे के नीचे एक ऊपर इकट्ठा करके और जगह जगह बांध देते हैं, और साथ में नीचे टाटे के बांध देते हैं। बांधने का तरीका यही है, ये ऊपर दोनों फट्टी इकट्ठी की, ये ऊपर बांधने के बाद ये नीचे इसको टाटे के साथ बांस के साथ बांध दिया जाता है, जिससे अब ये ऊपर की तरफ ना उड़ेगा आंधी तूफान में। देखा और ये प्याज की पैकिंग हो जाती है अच्छी तरीके से।
और उधर साथ में छटाई चलते हुए प्याज जो काटे रह रखे उसमें भराई चलते हुए करते हुए एक डंपर और खेत से भर के आ गया रिंग लेके आया है। अब चार पांच दिन ऐसे ही काम चलिया, खेत में अलग लेबर है, यहाँ भरने वाली अलग लेबर है, रिंकू इसकी दवाई करता रहता खेत से साथ की साथ प्याज की। तय वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।